आप सभी को एक साथ प्रणाम। आज उच्चैठवासिनी की धरती पर माँ उच्चैठवासिनी ने एक ऐसी असीम कृपा की है जो महादेव हमारे धरती पर साक्षात कल 2 तारीख को हम हर जगह आवाहन करके आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे इस धरती पर KBS कॉलेज में आप सभी इस जो होने वाला महादेव पूजन है उसमें सादर आमंत्रित हैं। लाखों की श्रद्धालु यहाँ आने वाले हैं, तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं, आइए KBS कॉलेज में। और ड्रोन के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ कैसी हमने व्यवस्था की है, समिति के द्वारा किस प्रकार से व्यवस्था की गई है। एक बार आप तो आइए मिलकर देखते हैं कि किस तरह से आपके सुरक्षा में हम तैनात हैं और किस विधि व्यवस्था हमारे द्वारा किस प्रकार से की गई है। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग लाखों लाखों की तादाद में जो भी श्रद्धालुगण हैं वो सब यहाँ आएँ और इस पूजा में सहभागिता लें जो यहाँ पे महादेव पूजन होने जा रहा है। यहाँ पार्थिव शिवलिंग जो बनने जा रहा है, आप सभी इसमें सहभागिता अवश्य लें। और लाखों लाखों की तादाद में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा पूजन विश्व में दूसरी बार होने जा रहा है। 121 गांव एक जगह पर आपको देखने को मिलेंगे और श्रद्धालु साथ में होंगे। मैं चाहता हूँ कोई गांव छूट ना जाए, कोई व्यक्ति छूट ना जाए, और जाति विशेष को दूर छोड़ के आइएगा। ये किसी जाति विशेष का पूजन नहीं है। धरती पर हर वो व्यक्ति ये पूजा कर सकता है जो महादेव की सेवा करना चाहता है, महादेव भक्त है। ये सबके लिए है। और जगह की आप मत सोचिए, जगह यहाँ पर्याप्त है। पूरी तरीके समिति हर तरीके से मजबूत है, हर तरीके से सक्षम है यहाँ पर। और ख़ासतौर पर मैं आपको बता दूं, युवाओं का बहुत बड़ा योगदान हमें मिल रहा है। यहाँ युवा बिल्कुल तत्पर है, व्यापारीगण का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। सब लोग यहाँ एकजुट होकर सपोर्ट कर रहे हैं। आसपास के जितने भी गांव हैं उन सबको मैं एक निवेदन करना चाहूँगा, जो आसपास में गाँव है 5 किलोमीटर के रेंज में चारों साइड, आपके घर अगर अतिथि पधारते हैं तो आप सबसे पहले उनको चाय पूछते हैं, पानी पूछते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके सड़क पर अगर कोई बाइक आ रही है, कोई कार आ रही है, तो उनको आप पूछिए कि क्या चाय लेंगे, क्या पानी लेंगे। आपका फर्ज बनता है कि कोई भी अतिथि अगर आपके द्वार आता है तो उनको चाय और पानी के लिए पूछा जाए। तो आप जिस चीज़ से शिक्षा में अगर 5 खिल्ली आप पान खिला सकते हैं तो पान खिलाइए, 5 गिलास अगर पानी पिला सकते हैं तो आप पुण्य कमाने का काम करेंगे। तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप सब पानी पिलाइए, चाय पिलाइए, नाश्ता कराइए, लेकिन रास्ते में भक्त को पूछिए जरूर। जो भक्त यहाँ तक आ रहा है उनको एहसास होना चाहिए कि मिथिला की इस धरती पर जहाँ पे महाकवि कालिदास हुए, उस कॉलेज प्रांगण में, माँ उच्चैठवासिनी के प्रांगण में अगर कोई व्यक्ति कहीं दूर से आया है तो उनका स्वागत मिथिला धाम में कैसे होता है वो कहीं जाके कहें। इसीलिए मैं आप सभी ग्रामवासियों से अनुरोध करूँगा, जितने भी ग्रामवासी हैं आप सभी यहाँ अवश्य आएँ। दूर दराज तक, पूरे बिहार में, पूरे भारतवर्ष में, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो, आप सभी लोग, सभी श्रद्धालुगण, सभी शिव भक्त सादर आमंत्रित हैं। और ख़ासतौर पर एक चीज़ और सूचना दे दूं मैं आपको, सूचना यह है कि जो भी युवा हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं आप सब सादर आमंत्रित हैं। अपना नाम मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं या यहाँ पे कमेटी का कार्यालय है, उस कमेटी के कार्यालय में आप सब आकर जुड़ सकते हैं और अपना नामांकन कराइए और आप सब वॉलंटियर बन सकते हैं। वॉलंटियर बनने के लिए किसी भी तरह की कोई राशि नहीं देनी है। पार्किंग बिल्कुल फ्री है, चाय बिल्कुल फ्री है, पानी बिल्कुल फ्री है, हर चीज़ निःशुल्क है। आप सब आइए और अपना सेवा प्रदान कीजिए। आप सभी से अनुरोध करूँगा, महिलाएं भी इसमें लाखों की तादाद में आ रही है, मैं चाहूँगा महिला वॉलंटियर भी हमसे जुड़े। जो भी आप सेवा करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप सभी से विनम्र अनुरोध कर रहा हूँ कि आप सभी अपने मित्रों के साथ यहाँ आइए, अपना नामांकन कराइए और अपना सहयोग दीजिए और इस पूजा को सफल बनाइए और एक इतिहास रचने का काम कीजिए, जो इतिहास बदलने के लिए सोचना पड़े, मेहनत करना पड़े। यहाँ पे लाखों की तादाद में जब श्रद्धालु आएंगे उनकी सेवा में कोई त्रुटि ना हो, हम सबसे उसका प्रयास कीजिए। आप सभी से बस यही अनुरोध करूँगा। और आप सबको मैं ड्रोन के माध्यम से पूरा KVS कॉलेज का जो प्रांगण अभी सजा हुआ है पूरा देख रहे होंगे आप, ये पूजा प्रांगण हर तरीके से मैं आपको दिखा दूँ। हवन कुंड आप सामने देख रहे होंगे, यहाँ से जो भी हमारे शिवलिंग बनने के बाद जो हमें भसाना होता है उसके लिए भी यहाँ पे हमने व्यवस्था कर रखी है। और हर जगह कौन सा गांव कहाँ बैठेगा, कहाँ पूजन होगा, उस सब की हमने व्यवस्था कर रखी है। तो आपको लाइटिंग की व्यवस्था पूरी है। या पहली बार बता दूँ, उच्चैठवासिनी दरबार में यहाँ खड़ा होकर मैं बोल रहा हूँ, KVS कॉलेज के दरबार में
कि पहली बार यहाँ से लेकर और जो मलहा मोड़ है, मलहा मोड़ तक लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। इधर से गांधी चौक तक लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। बनारपुर वाले रोड पे लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। मतलब इतनी लंबी लाइटिंग आज तक कहीं हुई नहीं है यहाँ व्यवस्था। इतना बड़ा पंडाल सजा ही नहीं है, जब इतना बड़ी व्यवस्था हुई है और आपके घर में कार्यक्रम आप नहीं आएंगे, अच्छा कैसे लगेगा। आप सब आइए, सभी शिव भक्त को हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ, आप सब लाइव के माध्यम से मैं आप सबको कह रहा हूँ, आप सब आइए और सहभागिता दीजिए, वॉलंटियर के रूप में दीजिए, दर्शनार्थी के रूप में दीजिए, सहयोगी के रूप में दीजिए, जिस प्रकार से देना है। और अगर 5 किलोमीटर के रेंज में है तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूँगा कि कोई व्यक्ति प्यासा यहाँ नहीं पहुँचना चाहिए। इतना पानी पिलाइएगा, इतना चाय पिलाइएगा, जब यहाँ से जाएँ तो कहें मिथिला धाम में गया था। बस मैं यही निवेदन करने जुड़ा हूँ आप सबसे कि आप सब आइए और ड्रोन के माध्यम से मैं आप सबको ये पूरा नज़ारा दिखा रहा हूँ। तो ड्रोन राजन भैया की तरफ से हमें प्राप्त हुआ है, इसके लिए भी मैं इनको धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूजा उपरांत जो विसर्जन होगा वो ये जो आप गड्ढा देख रहे हैं इसके अंदर महादेव विसर्जन किया जाएगा पूजा उपरांत। उसके बाद आप यहाँ पर टैंकर आप नज़दीक में देख रहे होंगे, ये टैंकर आपको दिख रहा है, ये टैंकर ही नहीं है, इसमें गंगा जल लाया गया है और इसमें साक्षात गंगा मैया हैं। तो हमने पूरी व्यवस्था यहाँ पे, तो यहाँ किसी प्रकार से परेशानी नहीं होगी। बगल से हमने रास्ता दिया है जो एम्बुलेंस जाएगी, एम्बुलेंस के जाने आने के लिए दिक्कत नहीं है। पीछे वाले गेट का इस्तेमाल एम्बुलेंस के लिए किया गया है, मेडिकल टीम की व्यवस्था यहाँ पे की गई है। मतलब हर तरीके से हम मजबूत हैं यहाँ पे। पार्किंग की लगभग मेरे पास अगर 20,000 बाइक भी आती है तो 20,000 बाइक की कार की पार्किंग भी मेरे पास अवेलेबल है। मेरे पास लगभग 200 वॉलंटियर यहाँ वर्क कर रहे हैं, तो हम किसी तरह से कमज़ोर नहीं हैं, हर तरीके से मजबूत हैं। और प्रशासनिक सहयोग हमें पूरी तरीके से प्राप्त हो रहा है, इसके लिए मैं SDM मैम का और SDPO मैम का दोनों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बेनीपट्टी BDO का धन्यवाद करता हूँ, मधुबनी DM का धन्यवाद करता हूँ और यहाँ के नगर पंचायत पदाधिकारी जो अमित कुमार जी हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ के ख़ास तौर पे उन सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो यहाँ दर्शनार्थी आने वाले हैं। आप सभी समय से आइए, सुबह 5 बजे पहुँच जाइए, 6 बजे पहुँच जाइए, किसी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होने जा रही। अगर आपको कुछ और पूछना है तो यहाँ पे कार्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा कार्यालय आपको नज़दीक में दिख रहा होगा, ये कार्यालय हमारा है। इस कार्यालय कक्ष में आपको किसी प्रकार की कोई त्रुटि है या कोई आपको जानकारी देनी है या कुछ हमें बताना है तो आप अपने राय अवश्य रख सकते हैं। ये सबकी पूजा है, कोई समिति की पूजा नहीं है, यह हर व्यक्ति की पूजा है, हर जाति विशेष की पूजा है। कोई पर्सनल किसी से यहाँ वो ऐसा नहीं है कि महादेव सबके हैं, जो महादेव भक्त है ये सबकी पूजा है। आप सब आइए, सादर आमंत्रित हैं। हर हर महादेव।